और नमस्कार मित्रों, आज श्री गिरिजा देवी मंदिर रामनगर उत्तराखंड से मैं बोल रहा हूँ, जितेंद्र पांडे, पंडित जितेंद्र पांडे। तो आज का दृश्य यह है कि अभी सुबह के 10 बजे हैं और 10 बजे मैं आपको ये लाइव रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। देखिएगा, अभी धूप इतनी नहीं है, गर्मी इतनी नहीं चढ़ी है, लेकिन लोगों के इंजॉय में, लोगों की मस्ती में कोई कमी नहीं है। देखिएगा, अभी शुरुआत है, लोग बाग आ रहे हैं, देखिए। और अभी धीरे धीरे लोगों का आने का क्रम चालू हो चुका है। लोग बाग प्रातःकाल मंदिर दर्शन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए आना चाहते हैं। प्रातःकाल पूजा पाठ वाले विशेष रूप से आते हैं। ये मंदिर के इधर, यहाँ से करीब करीब 1 किलोमीटर है, ये पहाड़ काफ़ी दूरी पर 1 किलोमीटर करीब है, पहाड़ है। उस पहाड़ के नीचे एक डेड बॉडी भी मिली थी परसों शाम। अब क्या कारण रहा होगा, लेकिन हमारा सभी लोगों से निवेदन है कि वहाँ पर नहाएं जहाँ पर सब लोग नहाते हैं, उधर नहाएं जहाँ पर कोई नहीं जाता है। उधर कोई नहीं जाता है और उधर एक बॉडी मिली। अब जो भी कारण रहे हो, तो ऐसा उल्टा काम ना करें, जनता के बीच में ही रहें। कुछ प्रसाद की दुकानें हैं, देखिएगा। हाँ जी, ये बढ़िया 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 प्रसाद की दुकानें हैं, देखिएगा। और अभी सुबह का समय है तो अभी लाइन ज़्यादा लगी नहीं है, देखिएगा। अभी लाइन अभी लगी नहीं है ज़्यादा, मंदिर तक ही है। श्रद्धालुगण आते रह रहे, देखिएगा। नीचे शिव गुफा है, वहाँ पर हाथी आया था, देखिएगा। जो पानी की टंकियाँ हैं तोड़ी गई हैं, देखिए। ये जो हम आपको हाथी की रिपोर्ट लगातार देते हैं, तो यहाँ पर हाथी आते हैं, ऊपर कैमरा भी लगे हैं, लेकिन रात के अंधेरे में चारों तरफ जंगल होता है, इधर हाथी वगैरह आते हैं। पानी की टंकियाँ भी तोड़ी गई हैं इनके द्वारा। ये ऊपरी क्षेत्र है जिसमें हम आपको लगातार 6 महीने से दिखाई जा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो बाढ़ आई थी तो इसने इतना क्षतिग्रस्त किया हुआ था। अभी तक इसका मरम्मत कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। देखिए, ये हम आपको लगातार पिछले 18-19 अक्टूबर के बाद इस लोकेशन में लगातार दिखा रहे हैं। ये पूरा क्षतिग्रस्त एरिया है, इसके चारों तरफ देखिए जंगली जीवन है पूरा, लेकिन इसकी मरम्मत कार्य अभी चालू नहीं हुआ है। ये ऊपरी क्षेत्र है जिसमें हम आपको लगातार 6 महीने से दिखाई जा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो बाढ़ आई थी तो इसने इतना क्षतिग्रस्त किया हुआ था। अभी तक इसका मरम्मत कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। देखिए, ये हम आपको लगातार पिछले 18-19 अक्टूबर के बाद इस लोकेशन में लगातार दिखा रहे हैं। ये पूरा क्षतिग्रस्त एरिया है, इसके चारों तरफ देखिए जंगली जीवन है पूरा, लेकिन इसकी मरम्मत कार्य अभी चालू नहीं हुआ है। ये मंदिर के ठीक नीचे देखिए, जो नाई लोग हैं यहाँ पर बाल कटवा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के मुंडन संस्कार इत्यादि, ये आराम से मिल जाते हैं। गांव के लोग ये नाई बन गए हैं, यहाँ पर काफ़ी संख्या में नाई हैं, ये गांव के लोग हैं, इनसे आप मुंडन कार्य करवा सकते हैं। ये हमारा जलजीरा, ठंडा पानी, नींबू पानी यहाँ पर मंदिर के जड़ पर है, शिव गुफा के सामने है। गर्मियों के दिन है तो इसमें जलजीरा है, देखिए, ठंडा पानी है, नींबू पानी है और सारी व्यवस्थाएं हैं। जिसको गर्मी लग जाए नींबू पानी पिए। जय हो तुम्हारी। ये ऊपर एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपरी हिस्से में हम भी गए थे एक बार, और पहाड़ के ऊपर हिस्से में क्या है कि एक बट वृक्ष है जिसमें चैन बदी है, और कितने हज़ारों साल होंगे इस पहाड़ को, और उसके ऊपर एक बट वृक्ष है जहाँ पर एक लोहे की चैन कब बांधी, किसने बांधी, 50-40 साल पहले जो लोग गए थे उन्होंने वो चैन देखी थी। अभी भविष्य में हम वहाँ जाएंगे तो हम वहाँ को ये सब फिल्माएंगे, इसको आपको दिखाएंगे। इसके सबसे ऊपर कम से कम ये 300 मीटर करीब ऊंचाई है इस पहाड़ की, और जंगली जानवर भी हैं वहाँ पर। लगे रहिएगा, माता रानी के जयकारा है। देखिए, बहुत अच्छा दृश्य वहाँ से देखने को मिलता है, देवी चौड़, सुंदरखाल, मोहन तक वहाँ से दिखाई देता है, बहुत दूर तक दिखाई देता है, इसलिए कभी जाएंगे तो आपको भी दिखाएंगे।
ये देखिए, गर्मी से राहत पाने के लिए रामनगर शहर से ये बर्फ़ का सिल्ली आ चुकी है। देखिए ये शिकंजी वाले बैठे हैं भाई साहब, ये नीचे से गुफा है और ये बर्फ़ की सिल्ली आ चुकी है। आपको गर्मी से फौरन राहत मिलेगी। देखिए ये गर्मी से फौरन राहत मिलेगी। 6 मई की तारीख में आज देखिए मौसम अच्छा हो गया, आधे बादल भी हैं, मौसम बड़ा सुहाना है। जो भी अपने यात्री अपने परिवार वालों को यहाँ पर लाना चाहते हैं वो लाएँ, क्योंकि मौसम अच्छा है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, बादल वगैरह हैं। और अच्छा आ गए, बढ़िया। आज 6 जून को हमने आपको प्रातःकाल बताया था कि आज मौसम भी बड़ा सुहाना है और दिन का टाइम हो गया है 12:30 लगभग। अभी भी मौसम काफ़ी सुहाना है, देखिए लोग अपना आनंद ले रहे हैं। देखिए काफ़ी दूर तक, कम से कम ही 1/2 किलोमीटर का एरिया है और वहाँ तक हमें आदमी दिखाई दे रहे हैं, श्रद्धालुगण दिखाई दे रहे हैं। पूरे 1/2 किलोमीटर तक कोसी नदी में लोगों को काफ़ी अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है यहाँ पर और हवा भी चल रही है, एक मौसम परिवर्तन का भी चल रहा है। और साथ में कल 2-3 दिन से यहाँ हाथी आ रहे हैं, आज न्यूज़ में आया भी है, तो हाथियों का भी खेल चल रहा है। गजानन यहाँ पर आते हैं मंदिर के नीचे, 2 पानी की टंकियाँ उन्होंने तोड़ी हैं, कुछ और सामान कुछ क्षतिग्रस्त किया है और खाने की ढूंढ में यहाँ पर आते हैं रात में। और वो वीडियो जो रात में वाला वीडियो जो है वो हमारे पास अभी आया नहीं है, लेकिन एक खबर हमने आप तक पहुँचा दी थी कि रात में यहाँ पर गजानन महाराज आए थे। और पिछले वर्ष इसी तारीख में 5 मई को और 6 मई को भी हमने उनके वीडियो उसी कैमरे से बनाए थे और बहुत अच्छी बात है। जय माता की। और इस तरह शाम 7 बजे नदी में नहाना मना है, ऐसा अनाउंसमेंट हो चुका है। संध्या के पश्चात जो भी नदी में स्नान कर रहे हैं उनके लिए अनाउंसमेंट हो चुका है और आज का दिन यही समाप्त होता है। आपसे मुलाकात होते रहेगी, हमारे चैनल पर बनी रहिएगा। हम आपको यहाँ पर नई जानकारियाँ, कुछ पुराना इतिहास, कुछ जो भी यहाँ पर होता है दर्शन वगैरह सब कुछ आपको कराते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय माता की। आपका आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।